तेरे इश्क ने साथ लिया मेरा हाल क्या कर दिया तेरे इश्क ने साथ लिया मेरा हाल क्या कर दिया गुलशन भी अब तो वीराना लगता है हर अपना हमको बेगाना तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखी चुकी है, आप भी इस तरह का टेरेस वीडियो कैसे बना सकते हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों इस वीडियो में जो आप इमेज देख रहे हैं आप उसे भी चेंज कर सकते हैं, इसके जगह पर आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। ये सब करना बहुत ही आसान है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक इफेक्ट का यूज़ किया हूँ और एक इमेज है और एक यहाँ पे ऑडियो है, जो भी हम ऑडियो लगाना चाहते हैं आप हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैं जो भी इसमें इफेक्ट यूज़ किया हूँ वो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं जो इमेज भी यूज़ किया हूँ उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे का रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक्नो बिंदास यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों हम इस तरह का टेरेस वीडियो बनाने के लिए यूज़ किया हूँ काइन मास्टर ऐप को। अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आने लग जाता है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आने लग जाएगा, आपको जिस साइज का स्टेटस वीडियो बनाना है आपको उस साइज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस वाले साइज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड दोस्तों उस वाले साइज को सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आने लग जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें सबसे फर्स्ट टाइम क्या करना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें अपना इफेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं इफेक्ट डाउनलोड कर रखा था तो मेरा इफेक्ट इस वाले फोल्डर में, तो दोस्तों मेरा इफेक्ट ये वाला है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड दोस्तों क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे आने लग गया है। उसके बाद हमें ओके पे क्लिक कर देना है, तो देख सकते कुछ इस तरह का यहाँ पे इफेक्ट है। और दोस्तों ये लगभग 29 सेकंड के आसपास है, लगभग 30 सेकंड, तो मैं क्या करता हूँ इसे 25 सेकंड के आसपास कर देता हूँ क्योंकि मुझे 25 सेकंड के आसपास का स्टेटस वीडियो बनाना है। तो मैं इसे 25 सेकंड यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है एंड कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद आपको शुरू में आ जाना है। एंड दोस्तों आने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है एंड आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है। एंड मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे फोटो लगाना है आपको उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं इस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद आपको इसका भी साइज यहाँ से फुल कर देना है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको फुल कर देना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है एंड आपको फिर से फोटो पे क्लिक करना है एंड आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह का ये दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद आपको फिर से फोटो पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्रांडिंग का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, तो देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखाई देने लग जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का बहुत ही मस्त आपको दिखाई देने लग गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप है कि हमें इसमें ऑडियो एड करना है। ऑडियो एड करने के लिए आपको ऑडियो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आपके फोन में जो भी ऑडियो हो आप डाउनलोड करके रखे आपको उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी फोल्डर में रखे हैं तो आपको यहाँ पे फोल्डर का भी ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ से फोल्डर बाय फोल्डर जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं स्टेटस नेम से एक ऑडियो सेव कर रखा था, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस ऑडियो नेम से एक मैं सॉन्ग सेट कर रखा था पहले से डाउनलोड करके, तो मैं इसे यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है एंड प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो देख सकते कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑडियो आने लग गया है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आपको इधर आना है, तो देख सकते ये ऑडियो कुछ बड़ा है तो मैं यहाँ पे लास्ट में ला देना है एंड ऑडियो पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कट का ऑप्शन दिखाई देगा कैंची का, हमें इस पर क्लिक कर देना है एंड दोस्तों हमें सेकंड वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें ओके पे क्लिक कर देना है, तो देख सकते हमारा स्टेटस वीडियो पूरा बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तेरे इश्क ने साथ लिया मेरा हाल क्या कर दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं स्टेटस वीडियो बनाना कितना आसान है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप इसे सेव कैसे कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन दिखाई दे देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेना है हाई या लो। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल एचडी एचडी कुछ भी सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये स्टेटस वीडियो यहाँ पे सेव होने लग जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों सेव भी करना बहुत ही आसान है। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।